हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केपीके क्लैशर। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम जो है सीज़न 7 का जो है वीक 2 के मिशन के बारे में बात करेंगे, और उसको जो है मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि वीक 2 में कौन कौन से मिशन आए हैं और आपने जो है उसको किस तरह कम्प्लीट करना है। तो जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मिशन में जाके, चैलेंज मिशन और वीक 1 और वीक 2। तो अभी आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे जिनको पता होगा कि वीक 2 के मिशन जो है या नेक्स्ट वीक के मिशन जो है वो किस तरह अनलॉक करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि वीक 2 के मिशन जो है किस तरह अनलॉक करना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें तो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है किस तरह आपने अनलॉक करने हैं। मैंने खुद भी अनलॉक नहीं किए हुए, लेकिन मेरे एक दोस्त ने जो है यहाँ पर अनलॉक किए हुए हैं और उससे मैंने स्क्रीनशॉट्स मांगी हैं, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं ताकि मैं जो है वीक 2 के मिशन के बारे में वीडियो बना सकूँ। तो उससे पहले यार मैं आपको बता दूं कि हमने एक गिव अवे स्टार्ट किया है, रॉयल पास फ्री में बिल्कुल दे रहा हूं यहां पर। तो इसके वीडियो का जो है लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें भी जो है अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है तो वो वीडियो भी जो है जाकर देख लें और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ वीक 2 के मिशन यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीक 2 के मिशन जो है, यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीज़न 7 का ही रॉयल पास है। और यहाँ पर ये जो वीक 2 के मिशन है, यहाँ पर सबसे जो पहला मिशन है वो है लैंड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इन सैन मार्टिन। तो सैन मार्टिन जो है मेरा मार में जो है आपको मिल जाएगा एक एरिया है, और इस एरिया में जो है सैन मार्टिन के एरिया में आपने किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो है आपने लैंड करना है। और नेक्स्ट जो मिशन है वो है यूज़ द थैंक्स आर ग्रेट इमोट्स इन लॉस लियोन्स। तो लॉस लियोन्स भी जो है आपको मिरामार में मिलेगा, लॉस लियोन्स के एरिया में जो है आपने थैंक्स आर ग्रेट का जो है इमोट वो आपने यूज़ करना है। तो यार बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा कि थैंक्स आर ग्रेट का इमोट जो है वो कौन सा है, तो मैं आपको यार सिंपली दिखा देता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आप आएंगे इमोट्स में, और जैसे आप लास्ट लियोन्स जाएंगे तो आपने ये वाला इमोट जो है ये वाला, और या फिर जो है आपने ये वाला इमोट आपने यूज़ कर लेना है, और उसके बाद जो है आपका मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जो है नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। और जो नेक्स्ट मिशन है हमारा वीक 2 में वो है किल 5 एनिमीज वाइल मूविंग ऑन फूट। तो यार आपने जो है सिंपली इस तरह का जो एक पहले भी मिशन आया था 5 किल 5 या एलिमिनेट 5 एनिमीज़ वेल मूविंग ऑन फूट, तो यहाँ पर आपने सिंपली करना क्या है, आपने चलते हुए जो है एनिमीज़ पे शूट करना है, यानी चलते हुए आपने एनिमीज़ को मारना है, एक जगह पे रुक के आपने नहीं मारना है, चलते हुए आप 5 एनिमीज़ को मारेंगे तो ये जो मिशन है ये भी आपका कम्प्लीट हो जाएगा। और उसके बाद का जो मिशन है वो किल एट लीस्ट 2 एनिमीज़ फ्रॉम द सेम स्क्वाड 1 टाइम इन क्लासिक मोड। तो यार क्लासिक मोड में आपने सेम स्क्वाड जो जिससे भी आपको जो है मुकाबला हो रहा है स्क्वाड का, तो स्क्वाड के जो है आपने 2 एनिमीज़ को मारना है, तो ये मिशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन है वो है कंप्लीट 10 मैच विथ फ्रेंड्स। तो आपने सिंपली अपने स्क्वाड वाले फ्रेंड्स के साथ जो है आपने 10 मैच खेलने हैं, तो ये आपका मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट मिशन है गेट ए फ्लेयर गन वंस इन मैच फॉर 5 मैच। तो आपने 5 मैचों में जो है फ्लेयर गन ढूंढना है, और आपके जो ये मिशन है फिर पूरा हो जाएगा। और जो नेक्स्ट मिशन है लैंड ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इन हाथिन। तो हाथिन जो एरिया है वो आपको सैनोक में मिल जाएगा, और उसकी उस एरिया में जो है किसी भी छत पर आपने लैंड करना है, तो आपका ये मिशन कम्प्लीट होगा। और उसके बाद जो मिशन है किल 20 एनिमीज़ विद AKM, तो सिंपली आपने 20 एनिमीज़ को AKM से मारना है। और नेक्स्ट जो मिशन है यहाँ पर गेट ए लेवल 3 आर्मर इन 10 मैच। तो यार सिंपली जो लेवल 3 का वेस्ट होता है, आर्मर होता है, वो आपने 10 मैचों में ढूंढना है, 10 मैचों में लेना है, तो आपका जो है ये मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी मिशन है हमारा वो है रीच गोल्ड टायर आर एबो। तो आपने सिंपली आपको जो रैंक होती है वो आपने गोल्ड तक पहुंचानी है, या गोल्ड से ऊपर आपकी रैंक पहले से पहुंच चुकी है, तो ये जो मिशन है आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही मिशन थे यार
आज की इस वीडियो में और वीक ट्यू में जो है यही मिशन आने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि ये किस तरह अनलॉक होते हैं तो यार वीडियो के नीचे कमेंट करें कि किस तरह अनलॉक करने हैं, तो मैं जो है इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।